नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर, वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर ओडिशा में बंद का ऐलान, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 6 घंटे का किया बंद। सहारनपुर की गागलहेड़ी क्षेत्र के गांव पुआरका में खराब पड़ी सड़क का निर्माण कार्य हुआ शुरू, भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश जैन सहित अन्य पदाधिकारियों ने किया उद्घाटन। मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र में पशु चोरों का आतंक, घर में नकाब लगा और ताले तोड़ दो पशु की चोरी, निर्धना गांव का मामला। सीएम योगी करेंगे अभ्युदय योजना का शुभारंभ, 16 फरवरी से प्रदेश के सभी मंडलों पर शुरू होगी कोचिंग, प्रतियोगी छात्रों को निशुल्क कोचिंग पाने का मिलेगा अवसर। बुलंदशहर के गांव सुनपेड़ा में चुनावी रंजिश के चलते ग्राम प्रधान के घर पर पथराव, 2 दर्जन युवकों पर पथराव का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक जारी, दुकान में नकबजनी कर चुराया कीमती सामान, पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। घरेलू गैस सिलेंडर पर फिर बढ़े 50 रूपए, गृहणियों की रसोई पर महंगाई की मार, 769 रूपए हुई गैस सिलेंडर की कीमत, 15 दिन में दूसरी बार हुई बढ़ोतरी। मुजफ्फरनगर के चरथावल में हत्या की सनसनीखेज वारदात आई सामने, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के एक माह बाद पुलिस को मिली शिकायत, ग्राम प्रधान सहित परिजनों पर आरोप। यूपी के टिगरी बॉर्डर पर कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर भारी फोर्स किया गया तैनात, किसानों का आंदोलन जारी। टूलकिट मामले में निकिता जैकब फरार, गैर जमानती वारंट जारी, दिशा रवि को किया गया गिरफ्तार। तमिलनाडु में 12 फरवरी को पटाखा फैक्ट्री में आग का प्रकरण, घटना में मरने वालों की संख्या हुई 20। उत्तराखंड चमोली जल प्रलय में 53 शव हुए बरामद, 150 से अधिक लापता लोगों की तलाश जारी। शेयर बाजार के इतिहास में पहली बार सेंसेक्स ने 52,000 का आंकड़ा किया पार। पंजाब निकाय चुनाव में रिकॉर्ड 71.39% हुआ मतदान, 17 फरवरी को घोषित होंगे नतीजे। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में आग लगने की तैयारी, 16 रुपए प्रति लीटर बढ़ेंगे दाम। पश्चिमी बंगाल के लेफ्ट के युवा नेता की मौत, पार्टी का पुलिस पर आरोप, लाठीचार्ज की वजह से गई जान। मेरठ में करोड़ों की जमीन कब्जाने और उस पर मंदिर बनाने का प्रयास करने के मामले में यतीम सिंघानंद सहित 9 लोगों पर केस दर्ज, 5 गिरफ्तार, 4 फरार। बागपत निर्माण में बरती जा रही लापरवाही और ग्रामीणों को हो रही समस्याओं को लेकर डोला गांव के ग्रामीण जिलाधिकारी से मिले। देश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 11,649 नए मामले आए सामने। बिजनौर में आज किसानों को संबोधित करेगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में इबोला वायरस से 4 लोगों की हुई मौत, महामारी घोषित। महाराष्ट्र में ट्रक पलटने से 16 मजदूरों की हुई मौत, 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल। अभिनेता सोनू सूद मदद को फिर आए आगे, मोगा में 100 ई रिक्शाएं वितरित कर मुहिम की शुरुआत की। रायबरेली में शिवपाल यादव के पैर छूने वाले सीओ चार्ज से हटाकर पुलिस लाइन भेजे गए, एएसपी को सौंपी गई जांच। कार्यकारिणी चुनाव हेतु प्रक्रिया हुई शुरू, भाजपा से 4 और सपा से 2 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा, निर्विरोध निर्वाचन तय।